आज की वीडियो में हम टू स्टेप हेयर ऑयलिंग करने वाले हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, आपके स्प्लिट एंड्स को कम करेगा, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, नेचुरल हेयर ग्रोथ देगा आपको। इस चैनल पर चल रही है हेयर ग्रोथ सीरीज जिसका है डे 11। डे 10 में हमने किया था हेयर वॉश, इस वीक में हमने मेहंदी एप्लीकेशन, मेहंदी ऑयल और उसके बाद में किया था शैम्पू। आज की इस वीडियो में हम टू स्टेप हेयर ऑयलिंग करने वाले हैं जिससे आपके स्प्लिट एंड्स कम होंगे, आपके हेयर ग्रोथ बूस्ट होने लगेगी और आपके स्कैल्प हेल्दी होगी, नेचुरल हेयर ग्रोथ आपको मिलने लगेगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस चैनल पर चल रही है हेयर ग्रोथ सीरीज जिसका है आज डे 11। डे 10 में हमने किया था हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के बाद में हमने अपने बालों में कोई भी एप्लीकेशन नहीं किया था। उसके बाद में हम आज करने वाले हैं राइस वाटर एप्लीकेशन। ये बहुत ही इफेक्टिव और नेचुरल होने वाला है, बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम राइस वाटर प्रिपेयर करते हैं कि किस तरह से आपको बनाना है और किस तरह से आपको एप्लीकेशन करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 2 चम्मच के आसपास चावल ले लीजिए, कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं वो चावल ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, आपको हेयर ग्रोथ अच्छे से बूस्ट करता है। एक बार आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, जो भी डर्ट होता है चावल के ऊपर वो सारा हट जाता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें डालनी है 7 से 8 लौंग। लौंग आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है और आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करता है। इसके बाद हमें लेना है 2 तेज पत्ता। तेज पत्ता आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 2 तेज पत्ता लेना है, उनको इस तरह से आप तोड़ लीजिए। उसके बाद में आपको 10 से 15 ml आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें 1/2 lemon भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सेम इफेक्ट दिखाएगा। उसके बाद आप इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल दीजिए। इसको आपको रात भर के लिए सोक करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद देखिए पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जो हमने इसमें तेज पत्ता और लौंग इस्तेमाल किया है, राइस इसमें डाला है, वो सारा एसेंस इस पानी में छोड़ देंगे। पहले आपको अच्छे से ये जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से आपको चावल को अच्छे से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद में आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आपको इसमें इस तरह की कोई भी बॉटल में आप ट्रांसफर कर लीजिए जिससे आपको एप्लीकेशन करनी है आपके हेयर पर। आपको ये जो चावल जो बचा है ना, इसको आपको थ्रो नहीं करना। इसमें 1 से 2 कप पानी और ऐड करके इस तरह से छोड़ दीजिए। मैं आपको डे 12 में बताऊंगी कि इसका क्या करना है, हम इसकी बहुत ही अच्छी रेमेडी बनाने वाले हैं, तो इसको आप रख के भूल जाइए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम चलते हैं, जो हमने स्ट्रेन किया था वाटर, जो हमने राइस वाटर पे किया है अपने लिए, उसको आपको किस तरह से एप्लीकेशन करना है। हमने डे 11 में किया था हेयर वॉश, उसके बाद में कोई भी एप्लीकेशन आपके बालों में नहीं हुई है, आपके स्कैल्प बिल्कुल क्लीन है, क्लीन बालों पर ही इसका एप्लीकेशन हमें करना है। सबसे पहले आपको करनी है कोम, अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कीजिए ताकि आपके जो स्कैल्प है वो रेडी हो सके आपकी रेमेडी के न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्व करने के लिए। अच्छे से आपको कोम करना है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, मेरा बेटा बीच में ज़रूर आता है, तो प्लीज़ आप उसको माइंड मत कीजिएगा, बहुत छोटा है, इसको मैं कहीं नहीं छोड़ सकती हूँ, तो ये मेरे आसपास ही रहता है हमेशा। कोम कर लीजिए। कोम करने के बाद में आपको इस तरह से एप्लीकेशन करनी है जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। सेक्शन वाइज करनी है क्योंकि ये पानी है तो थोड़ा रनी होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे ही स्कैल्प में इस तरह से लगाना है और आपको थोड़ी थोड़ी मसाज देते जाना है। मसाज देने से क्या होगा ना, पानी जो है वो अब्जॉर्व हो जाते हैं, आपकी स्कैल्प में पानी वो चला जाता है। उसके बाद में आपको इस पूरे स्कैल्प को कवर करना है, अच्छे से मसाज देनी है, इसी तरह से लगाना है। ये राइस वाटर आपकी स्कैल्प में हर एक फॉलिकल्स में जाना चाहिए क्योंकि ये राइस वाटर आपकी हेयर रीग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके बालों के लिए, आपके बालों को हेल्दियर और शाइनियर मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके बालों को। तो आपको इसी तरह से एप्लीकेशन करनी है। इसको आप दिन में 2 बार 3 बार 4 बार कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पानी है, जल्दी से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। तो आप इसे दिन में 2 से 3 बार आपको ज़रूर लगाना है, जब भी आपको टाइम मिले तब लगा लीजिए और उसके बाद में अपना बन बना के आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको आपको ड्राई भी करना है क्योंकि ये पानी अगर आपके बालों में रहा और सूखा नहीं तो वो स्मेल भी आ सकती है, तो आपको इसको ड्राई भी करना है। आप जिस टाइम आपने एप्लीकेशन किया है उसके बाद, उस टाइम तो आप अपना बन बना के छोड़ दीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद में जब पानी टपकना बंद हो जाए तो खोल के आप उनको उसको ड्राई आउट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने भी अपने बालों को ड्राई किया था जब पानी सूख चुका था, उसके बाद में अपने बालों को मैंने खुला छोड़ दिया। खुला होने के बाद वजह से क्या होता है, बाल जो है वो आपके सूख जाते हैं, जो राइस वाटर हमने यूज़ किया वो सूख जाता है। उसके
बाद में मैंने की थी नाइट में ऑयलिंग। ऑयलिंग करने के लिए आपको ये ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए आप अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से। उसमें डालना है पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, पेपरमिंट ऑयल भी ले सकते हैं। मेरी चैनल पर वीडियो डली हुई है, ऊपर आई बटन में दे दूंगी, मैं आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में मेरे बाल प्रॉपर ड्राई हो चुके थे। ड्राई होने के बाद ही आपको एप्लीकेशन करनी है। राइस वाटर एप्लीकेशन करने के बाद में आपको हेयर वॉश नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ऑयलिंग करनी है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, इस ऑयल को लेकर ही आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग के भी मैंने पीछे कई सारे वीडियोज़ आपके साथ में शेयर किए हैं। उसी प्रोसेस से अगर आप ऑयलिंग करते हैं तभी आपको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है। ये 2 स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे, इस वीक में हमने मेहंदी एप्लीकेशन, मेहंदी ऑयल, हेयर वॉश, ये सारी चीज़ें की, उसके बाद में हम राइस वाटर और ऑयल, ये इस ऑयल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए आपके बालों को कितना न्यूट्रिशन मिल चुका है इस वीक में, आपके हेयर ग्रोथ कितनी तेज़ी से बूस्ट होने लगेगी, आपका हेयर फॉल रुक चुका है, आपके डैंड्रफ पे भी वर्क हो रहा है। तो ये आपके बालों को सारी जो रेमेडी हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करने वाली हैं। आप इस सीरीज़ को इसी तरह से बस कंटिन्यू करते जाइए अपने बालों पर, आप देखेंगे 30 में आपकी हेयर लेंथ कितनी बूस्ट हो चुकी है और आपके बालों में कितनी शाइन ऐड हुई है। आप अपने पहले के बालों में और आपके बालों में डिफरेंस 100% देख पाएंगे। इसी तरह से ऑयलिंग करनी है, सबसे पहले आपको कोम करनी है। कोम करने के बाद में आपको सेक्शन वाइज ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद में 2 घंटे बाद आपकी स्कैल्प को रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद 2 घंटे बाद आपको फिर से आपको कोम करनी है, ब्रेड बना के और इस तरह से बन बना के छोड़ देना है। ये आपको ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट रखने से आपकी ऑयलिंग अच्छे से इफेक्ट दिखाती है आपके बाल। ये थी 2 स्टेप हेयर ऑयलिंग डे 11 में। मैं आपसे मिलती हूँ डे 12 में एक अमेजिंग सी रेमेडी लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।